हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू, चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज, थैंक यू आप सभी को, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल काव्या क्लासेस में। ओके, देन जैसे कि आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, इट मींस क्या, विकास के व्यापक पक्ष, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन। सो गाइस, विदाउट स्किप किए पूरी क्लास अटेंड करिए, फिर आपको लगेगा कितना अच्छा मटेरियल है, कितना अच्छा कंटेंट है, तब आपको लगेगा, ठीक है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम लॉस किए। ओके, तो जैसे कि हमारा फ्रेश टॉपिक है क्या, ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के व्यापक पक्ष। तो आइए देखते हैं क्या है ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के व्यापक पक्ष। अगर हम बात करते हैं विकास के व्यापक पक्ष की बात करते हैं, तो जो मेन मुख्यतः चार व्यापक पक्ष हैं, क्या मुख्यतः मेन जो है चार व्यापक पक्ष हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन से हैं। तो हम निमोनिक में समझते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में, पी सी एस ई। ओके, इट मींस फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, एंड सेकेंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ हमारा क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। एक एक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इट मीन्स शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, ये हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास। तो हमने आपको क्या बताया कि क्या ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि चार होते हैं, जो मुख्यतः क्या होते हैं, चार होते हैं, एक तो फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा सोशल, एंड चौथा इमोशनल, इट मींस शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, और फिर क्या होता है कि संज्ञानात्मक, ठीक है। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या होते हैं, ये आपस में कोरिलेटिव होते हैं, इट मींस अंतः, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं।
अगर एक ना रहे तो दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है क्या? अगर को रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अगर एक ना रहे तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो कैसे हम इसको समझते हैं, क्या थोड़ा विथ डायग्राम समझते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट अगर बात करेंगे तो ये एक दूसरे से कोरिलेटिव में रहते हैं। इट मींस एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ये ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। अगर एक का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो दूसरा जो है प्रभावित करेगा, प्रभाव डालेगा, क्या करेगा? प्रभावित करेगा। अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि फिजिकल जो होता है शारीरिक विकास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और फिर उतना ही जरूरी क्या होता है, मेंटल इट मींस कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर क्या, सोशल डेवलपमेंट भी होना जरूरी होता है, एक बच्चे में सोशल डेवलपमेंट होना जरूरी होता है, और इमोशनल डेवलपमेंट इट मींस सांवेगिक विकास का होना भी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, सांवेगिक विकास का होना भी जरूरी होता है। हम अब एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो फर्स्ट हम समझते हैं फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास अगर हम बात कर लेते हैं शारीरिक विकास की, तो इसमें क्या होता है, ग्रास टू फाइन जो हमारा क्या होता है डेवलपमेंट होता है, ग्रास टू फाइन होता है, ग्रास टू फाइन मोटर स्किल के द्वारा होता है। तो हम समझते हैं कि ग्रास मोटर स्किल क्या होता है और फाइन मोटर स्किल क्या होता है। तो जस्ट हम समझते हैं इसमें क्या होगा, ग्रास मोटर स्किल, ग्रास मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। इट मींस क्या होता है, अगर हम बात कर लेते हैं ग्रास मोटर स्किल की बात करेंगे तो स्थूल गति कौशल, स्थूल गति कौशल, और इसमें क्या होगा, सूक्ष्म गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल। इट मींस क्या कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आएगा, स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल। स्थूल गति में कौशल में क्या होता है, जो बच्चा होगा वो लेग और आर्म के सहारे बहुत सारी क्रिएटिविटी करेगा, या हम कह सकते हैं एक्टिविटी करेगा, क्या एक्टिविटी करेगा, जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, अपने लेग इट मींस पैर और आर्म मतलब बाजुओं बाहों के सहारे वो क्या करता है, कई सारी एक्टिविटी करता है, इसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, स्थूल गति कौशल कहते हैं। और सूक्ष्म गति कौशल किसे कहते हैं, जिसमें बच्चा अपनी फिंगर्स और आई बॉल्स के सहारे क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटी करता है। जैसे कि क्या होता है, एक्टिविटी की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि पेंटिंग करना, इट मीन्स अपने फिंगर, सूक्ष्म गति कौशल, आपको शब्द से ही समझ आ रहा होगा, सूक्ष्म मतलब क्या होता है कि कई छोटे छोटे जैसे फिंगर्स का वो सहारा लेगा,
ठीक है, और फिंगर से वो पेंटिंग करेगा, ड्राइंग करेगा, और नाइटिंग कढ़ाई करेगा, बुनाई करेगा, ये सारी चीजें वो करेगा। जस्ट हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या, तो यहाँ पे हम समझते हैं ग्रास मोटर स्किन में वो क्या करेगा, डांसिंग करेगा, इट मीन्स डांस करेगा अपनी लेग और आर्म के सहारे, और जंपिंग करेगा, कूदेगा बच्चा, जंपिंग करेगा और वॉकिंग करेगा, और फिर चौथा क्या है, रनिंग करेगा, दौड़ेगा बच्चा। यहां तक आई होप आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम, तकलीफ, दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डांसिंग करेगा, जंपिंग करेगा, वॉकिंग करेगा, रनिंग करेगा, और यहाँ सूक्ष्म गति कौशल में क्या करेगा, नाइटिंग करेगा, राइटिंग करेगा, पेंटिंग करेगा, ड्राइंग करेगा। तो क्या फिजिकल डेवलपमेंट में हमने क्या देखा, फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, क्या फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने क्या देखा कि जो इट मीन्स क्या, जो डेवलपमेंट होगा ग्रास टू फाइन जाएगा, क्या ग्रास मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल जाएगा। इट मीन्स क्या कि पहले वो अपने लेग और आर्म का सहारा लेगा, उसके बाद जब लेग और आर्म के सहारे को क्या करेगा, दौड़ेगा, नाचेगा, कूदेगा, टहलेगा, ये सारी एक्टिविटी करेगा, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या करता है वो क्या कि फाइन मोटर स्किल में सूक्ष्म गति कौशल में वो क्या करेगा, तो उसमें क्या करेगा, वो अपने आई बॉल्स के सहारे देखेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा कि अपने फिंगर्स के सहारे वो क्या करता है कि नाइटिंग करता है, कढ़ाई करता है, पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है, ये सारी चीजें वो बहुत ही अच्छे से करता है। तो आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं कि आज हमने आपको क्या बताया, कि आज हमने आपको ये बताया ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के व्यापक पक्ष की बात की हमने, क्या विकास के व्यापक पक्ष की बात की, जिसमें मैंने मुख्य ये बताया, मेन जो है चार है। निमोनिक में मैंने क्या बताया, याद करने का तरीका PCSE, क्या PCSE की सहारे हम बहुत ही अच्छे से इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि P की बात करेंगे तो फिजिकल, C की बात करेंगे कॉग्निटिव, S की बात करेंगे तो सोशल, E की बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। इतना मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक, और कॉग्निटिव मीन्स होता है संज्ञानात्मक, और क्या कि सोशल मीन्स क्या होता है सामाजिक, इमोशनल मीन्स क्या होता है सामवेगी। ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको क्या बताया, यह आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्या आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि एक पहले किसकी बात की, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास के बारे में हमने डिस्कशन किया, जिसमें मैंने बताया कि इसमें जो होता है ग्रास मोटर टू फाइन स्किल से होता है, फाइन मोटर स्किल से इसमें डेवलपिंग होती है। तो ग्रास में बच्चा क्या करेगा कि अपने लेग और आर्म के सहारे डांसिंग करेगा, जंपिंग करेगा, वॉकिंग करेगा, रनिंग करेगा। फिर हमने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होता है फाइन मोटर स्किल में, अपने किसके सहारे बच्चा, अपने फिंगर के सहारे वो क्या करता है, फिंगर के सहारे वो एक्टिविटी करता है बहुत सारी, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, नाइटिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें वो बहुत ही अच्छे से करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझने में आई हो, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से मैंने ये आपको समझा दिया है, क्या है, कैसे है, क्या चीजें हैं, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि चीजें क्या है, बहुत ही क्लियरली से मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में देखा, एक का बहुत अच्छे से डिटेल्स में आपको बता दिए। अब जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी कॉग्निटिव के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, नो डाउट, ठीक है। यहाँ तक या हम ये कह सकते हैं कि EVS में कोई भी प्रॉब्लम, मैं प्रैक्टिस सेट डेली डलवा रही हूँ,
अपने आप को देखिए कि कितना क्वेश्चन आपको, कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, 30 में 25 या 26, 27 आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। डेली प्रैक्टिस से EVS का डाला जा रहा है, सो आपको ये अच्छे से मतलब पता हो कि आप कितने कितना मार्क्स आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। सो आप उसे जरूर कंटिन्यू देखिए, EVS का जो प्रैक्टिस सेट है उसे जरूर देखिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको EVS में कोई भी कंफ्यूजन हो या CDP चाइल्ड डेवलपमेंट में कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा, रिप्लाई आपको जरूर से जरूर मिलेगा, चाहे जिस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सो टेल मी। और अगर आपको ज्वाइन करना है काव्य क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम पे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल वहाँ भी पड़ा हुआ है। सो गाइज आप सभी लोग बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। क्या आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे? आप सभी से बात करके हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सो गाइज थैंक यू, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो सो आप टेल मी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, हैव नाइस डे, टेक केयर।